तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन है और जीएसटी के साथ ही साथ संगठन पर भी आज चर्चा होगी। आपको बता दें कि कल पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एयरपोर्ट से नीचे उतरे थे तो उसके बाद वो रोड शो करते हुए जनता ग्राउंड गए थे और वहां अभी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है वो दूसरे दिन भी चल रही है। आज शाम को 3 बजे इस बैठक का समापन होगा। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन देंगे और माना जा रहा है कि जीत का मंत्र ओडिशा में दे सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में। और हमारी संवाददाता अदिति नागर लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। अदिति, ओडिशा में राजनीतिक भविष्य को देखते हुए किस तरीके से रोडमैप तैयार आज हो सकता है दूसरे दिन की बैठक में? आपको बता दें दिव्या कि जब शुरुआत अच्छी होती है तो ये माना जाता है कि अंत भी अच्छा होगा। जिस तरीके का ये शुरुआत कल हुई है मेगा शो की और पीएम नरेंद्र मोदी ने भुवनेश्वर की जनता को दिल से छुआ है और आज जब लिंगेश्वर मंदिर से वो निकले हैं तो ये सारा जो कनेक्ट हुआ है पब्लिक के साथ ये इनको दूर तक ले जाएगा भारतीय जनता पार्टी को। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब मान रही है कि लोकसभा चुनाव के उड़ीसा में और विधानसभा चुनाव भी दोनों ही की शुरुआत हो गई है और अच्छी शुरुआत हुई है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि उड़ीसा तो टारगेट है ही यहाँ पर, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो विधानसभा हो, लेकिन उससे ज़्यादा जब ईस्ट में इतना मेगा ग्रैंड शो होता है और पीएम नरेंद्र मोदी को अपनाया जाता है उस प्रदेश की जनता द्वारा, तब ये मैसेज देश भर में जाता है कि पीएम नरेंद्र मोदी के बढ़ते जनाधार और भी बड़ा होता जा रहा है। तो इससे ना सिर्फ उड़ीसा लेकिन और भी जगह ये मैसेज जा रहा है। उसके अलावा आपको मुख्य बातें बता दें, अभी पीएम नरेंद्र मोदी लिंगराज मंदिर से निकलकर कार्यकारिणी में पहुंचने वाले हैं, उसके बाद उनका स्वागत होगा, दीप प्रज्वलन होगा और करीब 10 बजे करीब दूसरा प्रस्ताव जो कि वो सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ प्रस्ताव होगा उस पर वो रखा जाएगा और उसके बाद दोपहर में लंच के बाद उसको अनुमोदन होने के बाद उसको प्रस्ताव को पारित किया जाएगा जो सामाजिक न्याय से जुड़ा होगा। इसके अलावा हम आपको मुख्य बात एक लाइन में ये बता दें कि कल की पूरी बैठक में एकमात्र केंद्र जो था वो चुनाव पर फोकस था। जितने भी बातें हुई उसमें घूम फिर कर बात चुनाव जो आने वाले चुनाव हैं, बिल्कुल अदिति जरूर सियासी है लेकिन महापुरुषों को याद करना, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवार वालों का सम्मान करना, ये सब बिल्कुल वो नहीं भूले हैं प्रधानमंत्री मोदी अपने इस कार्यक्रम में भी। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको मुख्य बात अमित शाह की हम बताना चाहेंगे, जो कल उनका उद्बोधन हुआ उसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं की लिस्ट बताई, जल्दी से हम आपको बताना चाहेंगे। 4000 ऐसे कार्यकर्ता हैं जो एक साल के लिए पार्टी के काम से एक साल दूसरे राज्यों में जाकर काम करना चाहते हैं। उसके अलावा 2000 ऐसे कार्यकर्ता हैं जो 6 महीने के लिए दूसरे राज्यों में जाकर पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं और करीब 4 लाख ऐसे कार्यकर्ता हैं जिसकी लिस्ट अमित शाह ने सबको बताई कि वो ऐसे कार्यकर्ता हैं जो 15 दिन के लिए दूसरे राज्य में काम करना चाहते हैं। और इसको हम आपको बता दें कि उससे कुछ ही देर बाद पीएम अमित शाह ने ये कहा कि जो वेस्ट बंगाल और केरला में जो हिंसक घटनाएं हो रही हैं उसे पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी, लेकिन हम कार्यकर्ताओं से निवेदन करते हैं कि वो भी उसी तरीके से जवाब न दें। लेकिन जो ये कार्यकर्ता हैं जिनको भेजा जा रहा है चाहे वो 1 साल 6 महीने 15 दिन, उनको खास तौर पे उड़ीसा बंगाल और केरला भेजे जाने की जो रणनीति तैयार की है, तो जब ग्राउंड लेवल पे बूथ लेवल पे जब हजारों की तादाद में कार्यकर्ता उस प्रदेश में पहुंचेंगे तो आप मान सकती हैं कि किस तरीके के काम हो जाए शुरू होंगे। उसके अलावा आपको बता दें कि जो मुख्य बात जो कल राजनीतिक प्रस्ताव रखा गया है उसमें 5 राज्यों की जीत पर बात हुई और उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए आने वाले राज्यों की जीत। उसके अलावा जो भी सिविक पोल्स के चुनाव हुए थे उसमें भी कहा गया है कि जिस तरीके से हमने उड़ीसा में परचम लगाया वैसे ही आने वाली जगह और खास तौर पर हिमाचल प्रदेश और गुजरात पर मेजर फोकस कल की सारी गतिविधियों बातों और कार्यक्रम जो चुनाव है जो रूपरेखा में किया जा रहा है। और गुजरात 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं और 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी है और ऐसे में अब पूर्वी राज्यों पर फोकस हो गया है प्रधानमंत्री मोदी का, उनकी पार्टी बीजेपी का। यही वजह है कि अब ओडिशा में फोकस करने की कोशिश की जा रही है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है और आज बैठक का दूसरा दिन है, आज सामाजिक न्याय प्रस्ताव पास किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदिति हमारे से जुड़ने के लिए, हमें जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले लिंगराज मंदिर भी गए थे और वहां उन्होंने
पूजा अर्चना की थी। पुजारियों का जो डेलीगेशन था वो उनके आसपास मौजूद था, उन्होंने एक एक जगह जाकर पूरा परिसर में उनको दिखाया, गर्भगृह में भी मंदिर में गए और उसके बाद जब वो बाहर निकले तो आसपास जो भीड़ मौजूद थी उन सभी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिवादन किया। राइट,